हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हेरिटेज पब्लिक स्कूल एंड दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. ओके सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ माई वीडियो. सो वी वर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन आवर हेल्थ मीन्स इन इंडिया वॉट इज़ द सिचुएशन. और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वी विल कंपेयर व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट इज़ द रियलिटी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिसिन एंड ऑल द फैसिलिटीज़ विच वी हैव इन आवर कंट्री. तो उनको आज के इस वीडियो में हम लोग उनके बारे में जानेंगे और उनको कंपेयर करेंगे. ओके तो चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं. सो इन माई लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ हेल्थ. सबसे पहले हमने हेल्थ की बात करी थी, ठीक है, और क्या होना चाहिए, क्या हम उम्मीद करते हैं कि किस तरीके का लाइफस्टाइल या हेल्थ के उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड क्या केयर हमें मिलनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी. चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं. हेयर यू कैन सी अ चार्ट इज़ गिवन. एक तरीके का चार्ट आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर. ओके ये एक चार्ट है जो कि पूरा बना हुआ है. ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट मीन्स इट इज़ शोइंग अ काइंड ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, एक तरीके का एक आपको वो करना है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करना है. सो लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया. तो चलिए कुछ हम एग्जामिन करते हैं. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम. दो कॉलम हैं, इनमें आपको क्या करना है, सिचुएशंस दी हुई हैं आपको, दोनों तरीके की सिचुएशंस आपके सामने हैं. यू कैन कंपेयर इट. ओके एंड आप कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी पाएंगे दोनों इन्फॉर्मेशंस को. मैं इसे अपने वर्ड्स में आपसे यही कहना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक है एक्सपेक्टेशन, दूसरी है रियलिटी. ऐसा होता है ना कि जो पेपर्स पर चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली भी हमें लाइफ में वो चीज़ें मिलती हैं. ऐसा हर जगह होता है. कितना भी हम जो है कोशिश करें, कितना भी हम फेयर रहने की कोशिश करें, पर ये चीज़ें हम हर रोज़ डेली रोज़मर्रा में देखते हैं. बट वी हैड टू डील विद दैट. इस टाइप की ज़िंदगी से अब हमें आदत सी पड़ गई है. पर फिर भी चलिए, हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं. चलिए मैं सबसे पहले पॉइंट आपके सामने रखती हूँ. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो हैं, ये स्टडी बताती है, ये रिकॉर्ड्स बता रहे हैं. कम से कम कितने 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर. मींस इन मेडिकल कॉलेजेस में से पढ़कर हर साल कम से कम 15,000 नए डॉक्टर जो हैं हमारे देश जो है वो तैयार करता है. अब हम सामने वाले कॉलम में देखते हैं क्या है हकीकत. मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर. अब वही चीज़, ये बात सच है कि कम से कम 15,000 के करीब करीब डॉक्टर्स एवरी ईयर प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में. बट उनका रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि उनमें से मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं वो अर्बन एरियाज़ यानी शहर के एरिया में, सिटी एरिया में सेटल्ड होते हैं, और रूरल एरिया जो कि गांव का एरिया होते हैं, जो दूर दराज के एरिया हैं, वहाँ पर जो है सुविधाएँ अभी भी ना के बराबर होती हैं. और वहाँ के लोगों को बीमारी में जाने के लिए डॉक्टर्स के पास एक लंबा रास्ता जो है वो क्रॉस करना पड़ता है. ठीक है, और रास्ता क्रॉस करना पड़ता है, उसके अलावा जो है रूरल एरियाज़ में भी हालांकि डॉक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, बट उनकी संख्या इतनी कम है कि पॉपुलेशन के हिसाब से वो संख्या ना के बराबर रहती है. मीन्स वो डॉक्टर होना ना होना एक बराबर है, वो अगर होते भी हैं तो उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं. उन फैसिलिटीज़ को पाने के लिए रूरल एरियाज़ के लोगों को, ग्रामीण लोगों को शहरों का रुख करना पड़ता है. और क्योंकि फीस भी इतनी हाई फीस के साथ जो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास बेचारे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर वही
पैसे रुपए की भी उनको परेशानी है, फिर भी अब वही वाली चीज़ है कि जब इतना हारी बीमारी होती है तो इंसान कुछ भी करता है, घर बार भी बेच कर भी अपना इलाज करवाएगा, वो वाली स्थिति उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो ये है आपकी रियलिटी कि मीन्स सुविधाएँ हैं, जो देश हर साल इतने इतने डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ के लोग आज भी अच्छा इलाज पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स, यानी हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ईयर टू ईयर बढ़ती चली जा रही हैं, खूब अच्छी बढ़िया हो रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। इन 1950 देयर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया, 1950 में कितने थे, 2,500 के करीब हॉस्पिटल थे, और आज 2000 यानी ईयर 2000 क्रॉस करने के बाद ये नंबर कितना बढ़ चुका है, 18,218। ये तो सिर्फ ये नंबर्स 2000 की बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड जब बनाया गया है ये 2020 है, तो आप लगा लीजिए आइडिया कि कितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं आगे बन चुके होंगे। अब आगे इसका अपोजिट पॉइंट देख पढ़ते हैं। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर, ये एक रियलिटी है कि हर साल कम से कम 5 लाख के आसपास लोग टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी आने के बाद भी ये मरने वाले लोगों की संख्या इस बीमारी से बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़ इन डिक्रीजिंग, ये मलेरिया से मरने वाले लोगों को, मलेरिया से ग्रसित होने वाले लोगों को जो है उनका भी नंबर जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कम नहीं हुआ, यानी इतनी फैसिलिटीज़ आगे बढ़ने के बाद, दुनिया भर के तामझाम होने के बाद भी अभी जो कहना चाहिए कि जो हमें रिज़ल्ट मिलने चाहिए वो रिज़ल्ट हमें अब भी नहीं दिखते हैं। फिर फैसिलिटीज़ का क्या फ़ायदा है। अब थर्ड फैक्ट, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया में हर साल एक बड़ी संख्या में लोग मेडिकल टूरिस्ट, मेडिकल टूरिस्ट मीन्स जो लोग बाहर विदेशों से इलाज कराने इंडिया, जैसे यहाँ के लोग जाते हैं ना, ऐसे ही बाहर के लोग भी इंडिया आते हैं और अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि इंडिया के जो अच्छी नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है, तो उसके लिए हर साल कितने सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं इंडिया में। अच्छा, अब सामने क्या पॉइंट है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, व्हाट एन आयरनी, कितने दुख की बात है कि जिस इंडिया में बाहर से विदेशों से लोग आ रहे हैं, वर्ल्ड की टक्कर देने वाले जहाँ हॉस्पिटल्स हैं, इतनी इतनी एडवांस फैसिलिटीज़ जहाँ पर सरकार प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, वहाँ की रियलिटी ये है कि हम अब भी अपने देश के हर एक कोने तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बोर्न, कम से कम 21% जो बीमारियां हैं बहुत ख़तरनाक वाली वो सब वाटर बोर्न हैं, मींस कैसे, डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सब क्या है, ये बीमारियां वो हैं जो कि साफ़ सुथरा पानी ना मिलने की वजह से लोगों में फैल जाती हैं, और ये इंडिया की हकीकत है, क्योंकि हम लाख दावे करती है गवर्नमेंट, हमने ये किया, हमने वो किया, बट अभी भी कितने एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरीके से पानी भी नहीं मिलता और पीने लायक साफ़ पानी भी नहीं मिलता। आज की हकीकत क्या है, आज हम लोग पीने का पानी भी खरीद कर पीते हैं, इतने महंगे दामों में क्लीन वाटर के लिए हम लोग, हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम पी रहे हैं, उनके बारे में सोचिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनका क्या, वो मतलब वो बाध्य हैं उस चीज़ के लिए, वो मजबूर हैं कि वो बीमारियाँ फैलाने वाले पानी पर ही उनकी ज़िंदगी चलेगी, तो ये कितनी ख़तरनाक स्थिति है आप इमेजिन कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। अब ये क्या है, आंकड़े बताते हैं, रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं कि इंडिया तीसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो कि मेडिसिन जो है दुनिया में बनाता है और एक बड़े नंबर में जो है वो उसे एक्सपोर्ट भी करता है। ये तो अभी बात सामने भी आई है, आप लोग आजकल सुन रहे हैं कोरोना वायरस का जब से खतरा शुरू हुआ है तो ये बात कितनी सामने आ रही है धीरे धीरे खुलकर कि पैरासीटामोल जो मेडिसिन है तो उसका सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत है, इंडिया है, और इंडिया से ही बाहर जो है दूसरी कंट्रीज़ में पैरासीटामोल दवाई जो है वो भेजी जाती है, तो इसका मतलब कि हम इस
के मतलब हम केपेबल हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस हो रही है देश में, इसमें कोई वो नहीं है, ये झूठे आंकड़े नहीं हैं, बट ऑन पेपर और ऑन द रियल ग्राउंड्स चीज़ें कैसे डिफर है ये देखिए। अब सामने रियलिटी क्या बोल रही है, हाफ ऑफ आर ऑल चिल्ड्रेन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। एक रियलिटी ये आ रही है सामने कि इसमें भारत देश के अंदर आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको एक पूरा का पूरा संपूर्ण संतुलित भोजन भी नहीं मिलता, और उनमें से कितने सारे ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, अंडर नरिश्ड कुपोषित हैं, कुपोषण के शिकार हैं, मीन्स उनको उतनी उनकी उम्र के हिसाब से जितना नरिशमेंट उनकी बॉडी को मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता। ये उस देश की सच्चाई है जो कि इंडिया देश जो है इतना आगे तरक्की कर चुका कि वो वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर आता है मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करने में, वहाँ के बच्चों का ये हाल है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, तो रियलिटीज़ क्या हैं और रिकॉर्ड्स क्या हैं इन दोनों में, तो यानी सोचने की बात है, अगर ये रिकॉर्ड सच्चे ही हैं तो आखिर हमारे देश के अंदर हमें ही असली जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है, क्यों हम लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, क्यों हम लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारी गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए हेल्थ केयर में वो रोल वो पूरा निभा नहीं रही है, या बीच में क्या झोलझाल हो रहा है, क्यों वो चीज़ें हम तक उस तरह नहीं पहुँच रही जिस तरह हम तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको सोचिए, डिस्कस कीजिए, अपने अपने जो पॉइंट हैं जो आपके माइंड में उभर रहे हैं उन पॉइंट्स पे आप उन्हें लिख कर रखिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे और बताऊंगी आपको। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स हॉस्पिटल्स लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग। अच्छा, अब क्या बात आ रही है कि अगर हमें ये बीमारियों को जो घातक बीमारियाँ फैल रही हैं फैलती रहती हैं कंटिन्यूसली चल रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनका ट्रीटमेंट और अच्छी तरीके से बेटर होने के लिए हमें प्रॉपर तरीके की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, मींस जैसे कि रूरल एरियाज़ में हेल्थ सेंटर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, हॉस्पिटल्स अच्छे और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाने चाहिए, अच्छी और एडवांस लेबोरेटरीज बनाए। आज इंडिया किस चीज़ में पीछे है? किसी चीज़ में पीछे नहीं है। क्या ये चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकता? क्या हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती? आखिर किसके लिए हैं ये सारी चीज़ें? भाई जाहिर सी बात है, इंडिया की जनता के लिए, भारत के देश के लोगों के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो वी नीड एम्बुलेंस सर्विसेज इन एवरी एरिया, ब्लड बैंक्स भी पहले से अच्छे होने चाहिए, बेटर होने चाहिए, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज फॉर पेशेंट्स ऑफ नीड। हाँ, तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक पब्लिक जो है, जनता जो, वो क्या चाहती है? वो यही तो चाहती है अपनी गवर्नमेंट से, ये चाहती है कि अगर हम मुसीबत में हैं तो हमें उस मुसीबत से निकाले। और हर एक बीमारी ये चीज़ें तो सबके साथ लगी रहती हैं, डोंट यू थिंक कि जो वैसे पिछड़े अच्छा जो इस जो अर्बन एरियाज़ में लोग हैं, भले वो एक महंगे दाम देकर चीज़ों को ख़रीद रहे हैं या इन फैसिलिटीज़ को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ख़रीद रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम ये कि अपनी जान बचाने में सक्षम हो रहे हैं। बट आप सोचिए, मैं तो उन लोगों का सोचती हूँ जो रूरल एरियाज़ में हैं, जिनकी इनकम भी कम है, जिनके पास साधन भी कम है, वो बेचारे कैसे, आप लोग देखते भी होंगे हॉस्पिटल्स के बाहर, आप देखिए कभी कभी गांव वाले लोग जो होते हैं ग्रामीण, उसके वो लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनके पास इतने साधन भी नहीं हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन क्या बीमारी तो हर एक किसी को लग सकती है, तो वो बेचारे महीनों महीनों तक सड़कों पे पड़े रहते हैं लेके अपने पेशेंट को, क्योंकि वही जान बचानी तो सब कुछ करना है। तो अगर ये फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में भी अच्छे से प्रोवाइड कराए सर गवर्नमेंट, तो लोग क्यों इतने परेशान हों, क्यों इतना सफ़र करें, क्यों इतनी इतनी दूर घर बार छोड़ छोड़ के इस तरह पड़े रहें? क्या उनका हक नहीं है इन फैसिलिटीज़ को पाने का? क्या उन्हें हक नहीं है एक अच्छी बेटर लाइफ जो है जीने का? वो भी तो हिस्सा हैं इसी देश का। सो वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। तो ये सब होती किस लिए? ये सारी इसीलिए तो होती है फैसिलिटीज़। और जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है तो फिर हर एरिया में और ख़ास तौर पर सबसे पहले आना चाहिए हेल्थ केयर, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो ही आप देश के बारे में कुछ सोच सकते हैं, तो ही आप अपने देश की भी सेवा कर सकते हैं। तो
चलिए फिर आज आप इस वाले वीडियो में, आई होप आपके आपको कुछ समझ में आया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत आपने समझा होगा। ओके चलिए, तो हम आगे अगले वीडियो में फिर आगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके टिल देन, बाय बाय।